चांदनी चौक ना दिल्ली का दिल माना जाता है, जो हमेशा चमकता रहता है, धड़कता रहता है। चांदनी चौक कपड़ों से लेके शादी ब्याह के मार्केट, ज्वेलरी, साइकिल, बुक्स, किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक्स को आप ले लीजिए तो माने जाते हैं। अभी हम खड़े हैं लाजपत राय मार्केट में, जो है बेसिकली कैमरा मार्केट, और इसके साथ में थोड़ी सी आगे जाके साइकिल मार्केट, और ऑपोजिट जाके आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जो फेमस है फैंसी लाइट्स के लिए। दिवाली पे आई मस्त से अलग ही माहौल होता है, अलग ही रौनक होती है यहाँ पे, उसके साथ में मैकडी भी। तो अभी हम जाने लगे हैं यहाँ पे फेमस जापानी समोसा खाने, जो बहुत ही अलग है, उसके साथ में रोफजे वाले भी हैं, और वो है साथ में आपको मार्केट में लेके चलते हैं कि कैसे है। तो आपको ये भी दिखाते हैं कि चांदनी चौक रिसेंटली अपग्रेड हुआ है, तो बीच वाली लाल किले के सामने रोड थी पूरी अपग्रेड करी गई है लास्ट फतेहपुर मस्जिद तक, तो वो रोड कैसी बनी है कैसे है चली जाइए देखते रहिए। बहुत ही खूबसूरत, ये अद्भुत, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं चांदनी चौक में सेंटर लेन पे ऐसे खड़ा हूँ। तो अभी 15 अगस्त है, आज 11th है, 4 दिन बाद यहाँ पे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो बीच में आना अलाउड नहीं था, बट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये राइट साइड में है गौरी शंकर मंदिर, जो शिव जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो यहाँ पे कभी आज जा नहीं सकते, थोड़ा टाइम का अभाव है, और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो लेके चलेंगे। और सामने आप देख रहे हैं लाल किला, इसकी ये रोड जो है, ये रोड लाल किला से लेके एकदम एंड में फतेहपुर मस्जिद तक है, और पूरी मार्केट है ये आप देख रहे हैं, इसके पीछे भी लास्ट से आगे तक। और यहाँ पे साइड में आती है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। ये हमारे दोस्त है, भाई क्या नाम है तुम्हारा? क्या बात है, तो हमें एक चांदनी चौक की सैर करा रहे हैं, हम निकले अभी लाल किले से। चांदनी चौक, इसके नाम में ही चांदनी है, नाम में ही रौनक है, हमेशा जगमगाता रहता है। यहाँ हर चीज की डिफरेंट मार्केट है, एक एरिया बांटा हुआ है। लेफ्ट साइड में कैमरा मार्केट थी, जहाँ पे मैं अभी गया था आपको दिखाया, और राइट साइड में है इलेक्ट्रिकल लाइट्स मार्केट, जो दिवाली के टाइम पे बहुत खूब चमकती है। और ये मैकडॉनल्ड्स अभी बंद हो गया है, ये तो पहले बहुत अट्रैक्शन रहता था, लोग यहाँ पे आराम से आके खाते थे। चांदनी चौक का निर्माण 1675 में शाहजहाँ की बेटी जहानारा बेगम ने किया, और ये लेफ्ट साइड में आ रहा है गुरुद्वारा सीसगंज साहब, जो शहीदी स्थल है हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी का, जिन्होंने मानव अधिकारों के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। यहाँ पे एक प्याऊ भी है, जहाँ पे गुरु महाराज ने स्नान लिया था और जल ग्रहण किया था। आप यहाँ पे आए तो जल का ग्रहण प्रसाद जरूर लें, बहुत पवित्र जल है। तो एक चांदनी चौक मुगल टाइम की एस्टेब्लिशमेंट है, तो यहाँ पे नाम भी उसी टाइप से रखे गए हैं, जैसे कूचा, कटरा। एक कूचा बेसिकली गली को कहते हैं जिसके अंदर बहुत से कटरे होते हैं। यहाँ पे फेमस है कटरा महाजनी, जो ज्वेलरी के लिए फेमस है। ये लेफ्ट में अभी आया हमारे कटरा अशरफी, जहाँ पे फेमस है सुधीर भाई के लहंगे और दूसरी इंडियन अटायर्स जैसे शेरवानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चांदनी चौक को बेसिकली 3 बाज़ारों में बांटा गया है, जो शुरू से चलता आ रहा है। इस पूरी रोड पे पहले यमुना से आई हुई एक नहर भी होती थी, जिसके दोनों तरफ बाज़ार होता था, और उस बाज़ार को 3 पार्ट्स में बांटा गया था। सबसे पहले लाल किले से स्टार्ट होते हुए गुरुद्वारा सीसगंज साहब तक उर्दू बाज़ार, उस समय गुरुद्वारा तो नहीं था, कोतवाली करके ये कहते थे। और अभी लेफ्ट में आया फतेहपुरी, जहाँ से आगे आप जाएंगे तो खारी बॉली स्टार्ट हो जाती है, जो स्पाइसेस की मार्केट है, और लेफ्ट में आगे जाएंगे तो सदर बाज़ार आ जाता है। तो हर चीज़ की बेसिकली होलसेल मार्केट है। गुरुद्वारा सीसगंज साहब से आप आगे चलेंगे तो नई सड़क, जहाँ पे टाउन हॉल भी है, वहाँ तक होता है जौहरी बाज़ार, और उसके आगे फतेहपुरी मस्जिद तक फतेहपुरी बाज़ार। ये सारे बाज़ार ना अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस हैं, अलग अलग चीज़ों की नीच मार्केट हैं, जहाँ पे हर चीज़ आपको होलसेल प्राइस में लेटेस्ट चीज़ें आपको मिल जाती हैं। थोड़ा समय आपको चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। इंडियन वेडिंग्स के लिए बहुत ही हॉट प्लेस है,
अगर दिल्ली में या आसपास एरिया में वेडिंग होती है तो यहीं से आके ही सारे शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। ये बहुत नेम्ड फेम शॉप्स हैं। और ये आई हमारे सबसे बड़ी गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप। पीने दे शराब इस मस्जिद में गालिब, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं है। गालिब से याद आया, गालिब की हवेली भी यहाँ बल्ली मारा में पीछे जाके है, जब टूरिस्ट स्पॉट बना दी गई है। तो वहाँ पे भी कभी जाएंगे तो ज़रूर उसकी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे लग रही है भूख, मैकडोनल्ड्स तो आ गया है बट अभी ये बंद है, तो हम थोड़ा देसी खाने के मूड में हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ पे दीवान हाल रोड पे जापानी समोसा, जो फेमस है जापान में भी। वहाँ पे जापान में अरुको इंडिया करके मैगजीन है, जहाँ पे उमेश जी के जापानी समोसे की एड रहती है, और जापान से लोग जाकर यहाँ पे आते हैं तो देखते हुए यहाँ पे आके खाते हैं। तो अभी हम चलते हैं उमेश जी के पास जापानी समोसा खाने, और देखते हैं कि कैसा है। जापानी समोसे, ये बेसिकली ना छोले हैं और एक पैटी की तरह क्रिस्पी क्रिस्पी जापानी समोसा है। वाओ, छोलों के साथ ना छोले चटकारे वाले छोले, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी है ना जो बेक करा हुआ है, के साथ छोलों का टेस्ट अलग ही आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं छोले भटूरे टेस्ट, ये वो कैसे हैं। वाओ, सारा टेस्ट जो होता है ना छोलों के मसाले में होता है। बेसिकली छोलों को मसाला कहते हैं, बड़ी ऐप बने हुए हैं। कम से कम 60 साल पुरानी ये शॉप है, और काफ़ी बार मैं यहाँ से ये खा चुका हूँ, तो बहुत ही बढ़िया। आप भी आएँ यहाँ पे खाएँ। हल्दीराम में जाते हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, हाइजीनिक फूड मिलता है, पर जो देसी स्ट्रीट फूड की बात है ना आई मस्ट से, वो बहुत ही बढ़िया। ये साहब है हमारे पास। सर कितनी पुरानी शॉप आपकी है? 1949। तो पिताजी ने आपकी शायद स्टार्ट की? हमारे गांव में शुरू की थी 1944 में। लाहौर। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आए कंटिन्यू करी 24 से लेके 47 तक लाहौर में काम किया। अच्छा जी, 49 में स्वाइप में शुरू किया था हार्डिंग में। अच्छा, 72 है आज़ादी के तभी से आपकी शॉप है। बहुत बढ़िया, जापानी समोसा तो मज़ा ही आ गया आपका, छोले भटूरे बहुत शानदार, समोसे अभी नहीं ट्राई किया, अभी जगह नहीं है और नेक्स्ट टाइम आएंगे। और गुलाब जामुन भी बहुत बढ़िया आपके। छोलों के ना बात ही अलग है, लिटरली चटकारे मारते हैं छोले का, बहुत शानदार। छोले में पानी वगैरह नहीं होता, कुछ है। अच्छा, छोले घी और मसाला, छोले घी और मसाला, बहुत ही बढ़िया। वैसे उसी का टेस्ट है, तो मिले चार चार लो। इसमें कोई प्याज लहसुन नहीं? अच्छा, कोई प्याज लहसुन नहीं? अच्छा, केवल छोले मिर्च घी, छोले घी और मसाला, बहुत बढ़िया। मेन जो स्मोक आ रहा है। अच्छा, इसका टेस्ट स्मोकी फ्लेवर इसी का ही आता है? मेन ये। अच्छा जी, आजकल कोई भी इसको यूज नहीं करता, बिल्कुल प्योर नेचुरल ना चीज मिल रही है। छोले घी और मसाला ना, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बहुत ही मेरा समोसा जापानी, छोले हिंदुस्तानी, बहुत ही शानदार। क्या बात है, ये सारे जो है ये जब भी रहेंगे इनमें पूरी मेरी दुकान की मेरी डिटेल लग गई, मैं खड़ा हूँ आपकी शॉप पर, नहीं यहाँ खड़ा हुआ है। हाँ हाँ, तो जापानी लैंग्वेज टोक्यो में आपकी फोटो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत अभी भी जापानी लोग जो आते हैं ना। हाँ हाँ, जापान को यहाँ पे फेमस किया हुआ आपने। वाह, ग्रेट साहब, थैंक यू। 10 रुपये।
बड़े गिलास 15 रुपए और इनसे बड़े गिलास 20 रुपए। हम दर्द वाला रोजा ठंडा ठंडा फूल फूल। आपके साथ जो दोस्त हैं उसे भी पिलाए और आपके साथ जो फैमिली है उन्हें भी पिलाए। छोटा गिलास 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। बड़ी गिलास बहुत ही बढ़िया 15 रुपए। बचपन में बड़ी गिलास स्कूल से आते थे तो मदर आपने तो चिकन जी और रोजा बना के रखती थी, वो याद आ गया। ठंडा ठंडा सही नहीं होगा। पुरानी दिल्ली फतेहपुरी जमा मस्जिद चांदनी चौक। बढ़िया दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अब हम वापस चल रहे हैं, वो गएंगे वापस और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए बीइंग स्ट्रगल।